हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आपके टर्टल्स भी हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो है उसके बनाने के पीछे एक बहुत ही एक मेरा मकसद है। लाइक आई वांट टू गिव यू अ मैसेज जो मैंने इस सीज़न में बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे क्वेरीज़ बढ़ रही हैं उसके रिगार्डिंग। सो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को उसके बारे में एक अपडेट बनाऊँ, एक वीडियो बनाऊँ। एंड टुडे आज मेरा वही टॉपिक है। बट बिफोर दैट मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पॉन्ड का हाल क्या हुआ है। बेसिकली जो बरसातें हुई हैं उसकी वजह से लाइक ये पूरा का पूरा जो नेट है ऊपर से फट चुका है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, जस्ट बिकॉज एक तो हवा और ऊपर से बारिश और पानी की वजह से वो सारा का सारा नेट फट गया है। अभी किसी दिन फ्री टाइम निकाल के सारी को स्टिच करके दोबारा से मैं टाई अप करके उसको उतार के सही करके फिर से लगाऊंगा। और अभी मेरा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम था जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था वो मेरा एक्चुअल में बन चुका है। उसमें थोड़े से अभी मॉडिफिकेशन है बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो मतलब वो चल रहा है पर लॉकडाउन की वजह से उसके अंदर जो मीडिया है वो थोड़ा अवेलेबल नहीं हुआ। तो मैं उसको लाइक अभी वो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर नहीं शो करूँगा, दैट इज़ अ सस्पेंस। बट फिल्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है, तो फिल्ट्रेशन सिस्टम जो मैं आपको नहीं दिखाऊँगा इस वीडियो के अंदर, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको दिखाऊँगा और वो बहुत अच्छा चल रहा है लाइक। बट मुझे ये है कि जो मीडिया है उसका लाइक उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए एक बार तो सही रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि पॉन्ड बहुत सही चल रहा है। अभी जैसे जो मेरे रेडियर स्लाइडर हैं वो उधर लाइक सोते हैं रात को, वो उधर जो प्लांट्स हैं उनके पत्तों के नीचे चले जाते हैं। और काफ़ी फ्लो है, जो फिल्ट्रेशन है वो स्ट्रीम के अंदर लगा हुआ, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लो है। यहाँ पे एक टर्टल भी था शायद, तो जो जैसे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अभी अंधेरा है, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ थोड़ा सा लाइक। इसकी लाइट ऑन करता हूँ, जस्ट वेट। तो सॉरी फ्रेंड्स, अभी फ्लैश इसके अंदर चालू नहीं हो रही, तो मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये एक टर्टल था, अभी भाग गया है वो। तो बेसिकली रात को भी मैं पकड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि वो सोते हैं इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था जो आज का इशू है उस पर आता हूँ। फ्रेंड्स, लोग मुझे आजकल ऑल ओवर इंडिया ये क्वेरी कर रहे हैं कि फ्रेंड्स कि आप हमारे पास टर्टल है तो हम उसको ले तो आए हैं बट उसको रखा नहीं जा रहा, तो उसको प्लीज़ कोई शेल्टर होम या कहीं पे रिलीज़ कर दें या क्या करें या कैसे करें, तो जो मेरी वीडियो है उसके कंसर्न में है। फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जो इंडियन स्पीशीज़ के टर्टल्स हैं आप उनको मत रखो। एक तो वो इलीगल होते हैं और दूसरा जो लोग ये कछुए ले आते हैं उनसे रखे नहीं जाते। तो जो मैं आपको इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, पहले तो आप कोई भी अगर पेट लेकर आ रहे हैं तो आप उसकी पूरी जानकारी रखें, और आप ये मत समझो कि एक 200, 300 या 400 का कछुआ है या 1000 का कछुआ है तो दैट मीन्स वो 1000 का ही है। जस्ट इमेजिन कि उसकी 50 टाइम्स कॉस्ट और ज़्यादा है, बिकॉज उसको एक रॉबस्ट एनक्लोजर चाहिए। टर्टल एक ऐसा जानवर नहीं है जो आप अपने घर के अंदर 200, 300, 400 रुपये खर्च के ले आओगे और छोड़ दोगे और वो आराम से चलेगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। जो आपको फ़िश सेलर्स हैं वो बेच देते हैं आपको, पर वो उसको इन रियलिटी उसकी कॉस्ट से 20, 30 एंड इवन 50 टाइम्स ज़्यादा हम उसकी लाइफ टाइम के अंदर ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं उसके अंदर। तो आप प्लीज़ अगर किसी भी टर्टल को ला रहे हैं, अगर कोई भी पेट ला रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी पहले आप देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स या उसकी आपको जानकारी है, फिर ही आप लेकर आओ। अगर आप ऐसे ही बिना जानकारी में आप ला रहे हो तो इन शॉर्ट वो एक फुलिश एक्ट कहलाएगा एंड दैट इज़ स्टूपिडिटी कि आप उसको एक उसके अपने हैबिटेट से एक उसको ले आए हो बाहर और उसके बाद उसको टॉर्चर कर रहे हो एंड यू से कि यू आर कीपिंग इट एज पेट, तो वो गलत है। अगर आप कोई भी जानवर लेकर आ रहे हो तो आप पहले इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता है और वो जानवर जो है आपके पास सही रहेगा तो आप लेकर आओ। जो मेरा चैनल है उसका मेरा ये मोटिव होता है, मुझे ये होता है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से, कुछ लिमिटेशंस होने की वजह से, फिर भी मैं अपनी वीडियो के अंदर जो कंटेंट होता है उसको प्रिसाइज ही रखता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। अभी लाइक राइट नाउ, अभी मेरा आज का जो मेरा टॉपिक यही है कि बस अगर आप लेकर आ रहे हो तो आप जानकारी रखो। अभी मुझे कॉल्स आ रही थी, उनके पास थे इंडियन रूफ टर्टल्स,
वो मुझे बोल रहे हैं कि आप हमने इनको रेस्क्यू करना है यार, हमने इसको, हम यहाँ से इसको ले आए हैं पर अब ये बीमार है। तो फ्रेंड्स इनको बहुत रॉबस्ट सेटअप चाहिए। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट, अभी जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि अभी जो दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, जिनके पास ऑलरेडी हैं, अभी देखो अभी आ रही हैं विंटर्स, आपके पास रेड ईयर है जो भी है, अभी आप आ रही विंटर्स, तो अगर आपने इंडोर्स रखे हुए हैं अपने टर्टल्स को तो उनके आप एनक्लोजर में लाइक पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम का ध्यान दें कि अगर आप अपने कछुए को खाना डाल रहे हो तो उसका फ़िल्ट्रेशन सिस्टम का पानी ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि सर्दियों के अंदर कछुओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लग जाती हैं, क्योंकि जब हम इनको आर्टिफिशियल एनक्लोजर्स में रखते हैं तो इनको स्किन की फंगस, आई डिजीज़, लेस बास्किंग और ये, और लेस ईटिंग, ये सारे इश्यूज़ आप समझ लो कि अभी शुरू होने हैं। तो जो एक वीडियो है आज की, उसका एक रेलिवेंट पर्पस भी ये हो गया कि चलो यार, एक मतलब अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी ये आपको अपने, अगर आपका कछुआ बिल्कुल भी हेल्दी भी है तब भी यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि आप उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो इस विंटर से पहले। आप ये देखो कि अगर आपके पास अगर एक कोई फ़िश टैंक है या जो भी अपने टर्टल का इनक्लोजर है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है, उसके इक्विपमेंट्स, उसका फ़िल्ट्रेशन सिस्टम बढ़िया चल रहा है, और हीटर उसका ध्यान रखें, क्योंकि अभी सर्दियाँ आनी, अब जिन लोगों ने काफ़ी देर से कछुए रखे हुए हैं, अब अगर उनके पास ये नेसेसिटी पूरी नहीं होती या लॉकडाउन की वजह से कल को उनको नई सामान मिलता या उनका नहीं होता, तो उससे तो उनका कछुआ लाइक इतने सालों की मेहनत और वो बेचारा मर सकता है। सो इट्स बेटर कि आप अपना जो सेटअप है उसको अभी से प्रिपेयर कर लो विंटर्स के लिए। अभी आगे जो है, अभी टेम्परेचर फॉल ही करना है, इट इज़ विंटर टाइम, तो आप एक हीटर का बंदोबस्त कर लें। और जहाँ तक खाने की बात है, अभी तक आप अपने टर्टल्स को जो भी डाल रहे हैं लाइक वेजिटेबल्स जो भी है, अभी आप वेजिटेबल्स कम करके उनको प्रोटीन्स ज़्यादा खिलाना शुरू कर दें। तो प्रोटीन्स ज़्यादा खिलाने से उनको अभी जो उनकी फ़ैट जो अक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाएगी, और सर्दियों में अगर वो कम भी खाएंगे तो उनका सही रहेगा। तो अभी आप ये देखें, जैसे मेरी पिछली वीडियोस भी थी, मैं आप उसमें मैं आपको बताता था कि आप ये वाली डाइट डालो, आप उनको वेजिटेबल्स डालो। अभी वेजिटेबल्स थोड़ा सा कम करके स्विच ऑन टू मोर हेल्दी डाइट, ट्राई टू फीड योर टर्टल्स मोर हेल्दीएस्ट डाइट यू कैन, एंड क्योंकि विंटर्स के अंदर वो कम भी खाते हैं तो अगर अच्छा खाया होगा तो फ़ैट अच्छी होगी तो वो फिर कहीं मरेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स अभी आज की वीडियो में इतना ही, अब इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, अब नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। और जो मेरा इनक्लोजर है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट शोइंग यू माई फिल्ट्रेशन सिस्टम, बट डेफिनेटली आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट नाउ यू कैन सी क्या हो क्या गया इसका हाल। तो अभी मैंने लाइट्स ऑन की हुई हैं क्योंकि कछुए इस टाइम सोते हैं, तो अभी बार आपको वीडियो बनानी थी तो मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं। तो अभी सब सही चल रहा है, मेरे पॉन्ड के अंदर सिस्टम तो सारा रॉबस्ट है और सही चल रहा है, और मैंने सर्दियों का पहले ही प्रिपेयर किया हुआ सब कुछ, तो मुझे था कि मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑन टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।